क्रिटिक्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय का भैरव। सो आज का हमारा टॉपिक है शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं एंड वो भी इस समय की, यानी कि भाई शाम का ये वक्त बहुत सुहाना। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये हमने लिए हैं 2 ओरेकल्स। ठीक है, इसके पहले कि हम रीडिंग की शुरुआत करें, ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक, प्लस जनरल कलेक्टिव सेशन। ठीक है, एंड बिकॉज ये एनर्जी रीडिंग है तो जितनी एनर्जी, जितना कनेक्शन आपको फील होता है आप उतना ले लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस ये आपके हाथ में होती है, चॉइसेस सिर्फ आप करते हो। ठीक है, तो करते हैं छोटा सा डिवाइन रेकी सेशन। ओके, तो अब करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और करते हैं टैरो की शफलिंग। ओके, ठीक है, 5 बार कर लिया हमने कार्ड शफल। ये आ गया है कार्ड जो कि है एस ऑफ वांड्स। ठीक है, यस, अब चुनते हैं इसमें से कार्ड। विक्ट्री, ठीक है, और चुनते हैं इसमें से भी एक कार्ड। ये भी काफी खूबसूरत ओरेकल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें चैलेंजेस दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें कौन सा कार्ड आता है यहाँ पे। ये आ गया जो कि है मीडियम हेयर। ओके, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग में हमें मिला है। ठीक है, देखो शुरुआत हुई है एस ऑफ वांड्स है, यानी कि भाई मेष सिंह धनु राशि। आई थिंक इस पर्सन के लिए फिलहाल का जो समय है वो है अपनी दिल की बातें आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश। आप जान सकते हो कि आज भी एंड अभी भी ये पर्सन आपके प्यार में है, यू नो इट्स लाइक प्यार की कशिश, प्यार का एहसास इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता है कि वो क्या फील करता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके जो प्लान्स हैं और आपके प्लान्स उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे। लाइक अगर वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ जाते हैं और आप शायद कहते हो कि नहीं भाई हम तो वहाँ जाएंगे। साथ में अगर मान लो दोनों के जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी कुछ यू नो स्पेशल चीज़ें होने वाली है तो ये शायद चाहेंगे कि आप उनको सपोर्ट करें और आप दोनों मिलके उनके इवेंट में सहभागी हो। ठीक है, एस ऑफ वांड्स है तो बस बात यहाँ पे आती है कि जितना पैशन, जितनी एनर्जी फील करते हैं, क्या आप भी उतनी एनर्जी, उतना पैशन फील करते हैं। इनके हिसाब से भी ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये आपके साथ बने रहना चाहते हैं, यू नो एंड हाँ, जैसे ही आप इनके साथ बने रहते हो तो आप इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो स्वभाव है, इनकी जो विशेषता है वो जान लेंगे। हाँ, कुछ कमियाँ भी होंगी एंड कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी जो शायद विद इन टाइम अगर आप भूल गए हो तो शायद और जानने को मौका आपको मिलता है। ठीक है, अब इसके सपोर्ट में जो हमें कार्ड मिल गया है वो है विक्ट्री। इसका मतलब है कि भाई इस पर्सन को आपके साथ फिलहाल विक्ट्री दिख रही है, मतलब जो भी इसको लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में मैं क्या प्रेजेंट या क्या फ्यूचर देखता हूँ तो वो है विक्ट्री। मतलब कि भाई इसकी जीत हो रही है, मतलब सिर्फ इसके नहीं आप दोनों की जीत हो रही है। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे थे, कोई भी सवाल थे आप दोनों के, तो वो सवाल जो है वो आपके रिश्ते को तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि और मजबूत बना रहे हैं, और यही इसकी एक खासियत है। आपको यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है, लाइक यहाँ पे एक घोड़ा है, यहाँ पे एक पैरट मतलब एक बर्ड दिख रहा है, यहाँ पे डॉग्स है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। एंड बिकॉज घोड़ा है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आपके साथ कनेक्शन है वो लॉयल है, प्रमाणिक है, मतलब ये आपसे कोई झूठ मूठ का रिश्ता नहीं रखना चाहते। और अगर मे भी पहले ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इतने ज़्यादा थॉटफुल नहीं थे, मतलब विचार नहीं करते थे बोलने से पहले, अब आपको उनमें काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे होंगे। अब ये जो ओरेकल आ गया, इसमें से क्या कार्ड मिला है, मीडियम हेयर, तो ये शायद उनकी एक पर्सनैलिटी हो सकती है।
यू नो इट्स लाइक मीडियम हेयर, मतलब ऐसे बाल की जो आपको अट्रैक्ट करे या फिर आपके बालों को देखिए अट्रैक्ट हो रहे हैं. मीडियम हेयर अगर हम इसको देखें तो यू नो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो या तो आपसे काफ़ी प्रभावित है, ठीक है. सेकेंडली उनकी या आपकी हेयर स्टाइल हो सकती हैं. एंड थर्ड अगर हम गेस करें तो इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है. जैसे कि ये जो बाल है ये हम बस उनके नेक लाइन तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आ रही है कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, ठीक है. बस आपका चेहरा और आपका चेहरा क्या कहता है इसमें इनको ज़्यादा दिलचस्पी है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टैरो में क्या रीडिंग मिलती है, तो ये आ गया है कार्ड की है एस ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन राशि, ठीक है. साथ में देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है इस ओरेकल से, ठीक है. यस ये आ गया है ब्लेस, ओके. थर्ड देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिली है, ओके. ये कार्ड आ गया जो कि है ग्रे और सैंडी, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की जो कि है एस ऑफ कप्स, तो आई थिंक यहाँ पे बात आती है उनके बताने की या फिर उनके जताने की कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ बिगिनिंग, एक शुरुआत है. बट कौन सी शुरुआत, एक नए रिश्ते की या फिर कि वो आपके बारे में हर रोज़ क्या फील करते हैं वो सबको बताने की. तो आपके बीच शायद हम एक छोटा मोटा चैट सेशन या फिर कॉल भी हो सकता है, ऐसी संभावना कर सकते हैं. नेक्स्टली वो चाहते हैं कि भाई आप इनको समझें कि हर बार इनके दिल में कुछ ना कुछ कहने का होता है, लेकिन कई बार वो बस आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं एंड मे बी बस ये फील करना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए आप उनके साथ हो, आप उनका साथ नहीं ठुकरा रहे हो, ठीक है. तो कब से यहाँ पे प्लस यहाँ पे हमें एक फ्लावर भी दिख रहा है, यहाँ पे वाटर है, तो हम कह सकते हैं कि भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जब इनके ज़िंदगी में आते हो तो उनका जो जीवन है वो खिल जाता है, इनके ज़िंदगी में खुशबू आ जाती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनके जीवन में मधुरता लाते हो, ठीक है. इट्स काइंड कि भाई अगर वो उदास भी है तो बस आपका नाम लिया तो झट से उनके चेहरे पे स्माइल आती है. ये जो मिराकल है वो क्यों होता है, बिकॉज आप उनके लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुके हो. हालांकि ये सब कप्स है बट ये आपको बता रहा है कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है. तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है सीरियस नहीं है, हाँ ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि भाई आपके आने से इनके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो गई है. अब नई शुरुआत हो गई तो क्या हो गया है, ये है ब्लस. आप इस कैरेक्टर के चेहरे पे स्माइल देख सकते हो, ये जो व्यक्ति है जो पर्सन है इसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्यों है. यहाँ पे फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि भाई ये पर्सन काफ़ी खुश है, यू नो, एंड उसके खुशी का ठिकाना नहीं है. बस जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपका नाम भी ले ले या फिर कोई कहे कि भाई आपका मैसेज आ गया, कोई फ़ोन आ गया, तो इनको बहुत अच्छा लगता है. ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपा रहे हैं या फिर बस दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअली में फील करते हैं. अगर कोई निस्वार्थ प्रेम आपको करता है ना तो उसका जो लाभ है वो सभी को मिलता है. और इस पर्सन के चेहरे पे हम वो स्माइल देख सकते हैं, मतलब अगर उदासी थी भी तो वो भी चली जा रही है, तो उनके ज़िंदगी में ब्लिस आ रही है, मतलब खुशियाँ आ रही है. एंड आप वो खुशियाँ दोगुनी चारगुनी कर सकते हो और करते हो. तो आपके बारे में वो एग्जैक्टली क्या सोच सकते हैं या फिर क्या सोचते हैं इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है. आप उनके ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो. हाँ कई बार वो शायद आपको बता दे ना बता दे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो खुशियाँ जो है चेहरे पर स्माइल लाती है वो हम छिपा नहीं सकते. मान लो किसी कारण से अगर आप उनसे मिल नहीं पा रहे, फिर बातें नहीं हुई हो रही है, फिर भी ये आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं. थर्ड जो कार्ड आ गया है, अगेन एक एस्पेक्ट आ गया है जो कि है ग्रे और सैंडी. तो शायद ये बालों के बारे में है. आप जिसके भी बाल जो है वो शायद ग्रे हैं या फिर ऐसे वाइट हो गए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. काफ़ी लोग मिलते हैं ना, कहते हैं कि भाई हमारे बाल तो सफ़ेद हो गए, पता नहीं हमारा जो पर्सन है जो लवर है जो जीवन साथी है वो क्या कहेगा या फिर उसके फैमिली वाले क्या कहेंगे, वी डोंट नो, यू नो. तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि क्या सच में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लव, कि क्या ये पर्सन हमारे ग्रे या सैंडी हेयर के बावजूद हमें एक्सेप्ट करेगा, तो ये पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. सेकेंडली यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर किसी को कोड भी है या फिर किसी की स्किन का कलर उड़ गया है, यू नो, एकदम से स्पॉट्स आ गए हैं, फिर भी इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रेसअप देख रहे हैं, दिस पर्सन इज बीइंग अ जेंटलमैन, ये एक जेंटलमैन टाइप पर्सन है और ये पर्सन आपको लाइक एंड लव कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू नो कोई मेडिकल इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज है, इसको आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी बातें, आपका चरित्र काफ़ी पसंद है, इसीलिए अगर ये बातें हैं भी कि आपके बाल कैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, द पर्सन लव्स यू एंड लाइक्स यू द वे यू आर। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत फेमस जो एक्टर था उनकी बेटी जो थी उनके बाल शायद सफ़ेद थे एंड उनको वैसे ही हालत में दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि वहाँ पे कोई फेक रिश्ता नहीं रखा गया था कि भाई बाल ये है तो तुम रंग करो ये करो। सिमिलरली ये पर्सन आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, अभी इस वक्त अगर आपके बारे में कुछ सोच रहा है तो यही कि आप जैसे हो इनको वैसे ही पसंद है, आप में कुछ और कैसे भी बदलाव ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट डजंट एक्ट।